योगी से अक्सर अखिलेश कहते दिखे, सांडों को हल्के में मत लीजिए, योगी को सांड में दिखता रहा नंदी का रूप। रावण दहन के दिन यूपी में दिखा सांडों का आतंक, अखिलेश ने सुनाया आंखों देखा हाल। कुछ ऐसा जिसको अखिलेश की कही बातों पर नहीं होगा विश्वास, अखिलेश ने उनके लिए वीडियो बनाया, उनको दिखाया, वीडियो देखेंगे तो हो जाएंगे हैरान। हेलो, लंका में तो शांति पकड़ो। ये दृश्य देख लीजिए, क्या कहेंगे, किन शब्दों से परिभाषित करेंगे, क्या नाम देंगे, लेकिन नाम देने के ऊपर सवाल तो किए जाएंगे। एक सवाल जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से अमूमन हर दिन उठाया जाता है, उसको सरकार गंभीरता से क्यों नहीं लेती, अब तो यही सवाल उठने लगे। इतना तो बीजेपी सांसद मेनका गांधी इस मसले पर अपनी बात नहीं रखती जितना कि अखिलेश ने रखती। बार बार अखिलेश ने योगी सरकार को चेताया, इस पर ध्यान दीजिए, समाधान कीजिए, लेकिन हाल क्या है देख लीजिए। इस दृश्य को देखकर क्या कहेंगे, प्यार इनसे अगर है तो कीजिए, लेकिन ये कैसे प्यार है जो इंसानों के प्यार के लिए एक चुनौती की तरह है, कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। सोचिए घर से आप हंसी खुशी निकले, रास्ते में ऐसे इस तरह से स्वागत करने के लिए ये तैयार हूँ, अचानक से आपकी और ये आए, आप पर प्यार ऐसे बरपाएं तो फिर आपके अपनों के लिए क्या होगा, सवाल तो बनता है जब ऐसे रूप दिखेंगे। 24 अक्टूबर को देश भर में रावण दहन किया गया, लेकिन इस दौरान यूपी में कई जगह मेले में सांड घुसने से भगदड़ मच गई। एक मेले में सांड घुसा और लोगों पर हमला भी कर दिया, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हर बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेता दिया। अखिलेश यादव ने रावण दहन के दौरान मैदान में सांड घुसने का वीडियो शेयर कर तंज कसा, बताया कि गाजियाबाद के मोदी नगर में रावण दहन से पहले मेले में कई सांड घुस गए। वीडियो में सांड रावण के पुतले के आसपास घूमते दिखाई दिए, 4-5 सांड रावण के पुतले के पास पहुंचे और लड़ने लगे। सांड की लड़ाई में रावण का पुतला गिरने से बचा, सांड के आगे प्रशासन के लोग भी घुटने टेकते दिखाई दिए। इसके बाद कुछ युवकों ने सांड को वहां से भगा दिया। ये वीडियो शेयर कर सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, प्रशासन का कार्य मेलों के लिए न केवल अनुमति देना बल्कि सुरक्षा व्यवस्था देखना भी होता है। यदि मेले में खुले घूमते हुए अन्ना पशु मेला प्रशासन और पुलिस को नहीं दिख रहे तो उन असामाजिक तत्वों से जनता की सुरक्षा कैसे होगी जो दिखते भी नहीं है। जनता की हिफाजत करना सरकार का सबसे संवेदनशील कर्तव्य है। मेले में सांड घुसने का एक और वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपाई मंत्री जी ये देखकर बहुत हुए हैरान, मेले में जब जा पहुंचा सांड, करने उन्हें प्रणाम। बताया जा रहा है कि ये वीडियो चंदौली का है, जहां रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में भी सांड घुसाया, हालांकि किसी तरह लोगों ने सांड को भगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां खुले में घूम रहे जानवरों को गौशाला में रखे जाने की बात कहते नजर आए, तो वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव खुले में घूम रहे जानवरों का वीडियो शेयर सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खोलते रहते हैं। अब मेले में घुसे सांड के वीडियो खूब वायरल हो रहे। आपको बता दें कि बाघ बकरी टी ग्रुप के कार्यकारी निदेशक पराग देसाई की मौत को लेकर भी सपा चीफ अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा था। 50 साल के पराग देसाई आवारा कुत्तों से बचने की कोशिश में ठोस सतह पर गिर गए, जिससे उनके सिर में गहरी चोट आई थी। गुजरात के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया था। इस मामले को लेकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, गुजरात के जाने माने युवा उद्योगपति पराग देसाई जी का आवारा पशुओं के हमले के कारण हुई मृत्यु अत्यंत दुखद है, श्रद्धांजलि। ये दुर्घटना इन अर्थों में दुर्भाग्यपूर्ण है कि आवारा पशुओं की समस्या को लेकर ये सरकार गंभीर नहीं है।